नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा गुप्ता। देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन 2 के कुछ दिन के बाद देश के लोगों को कुछ छूट दी गई है, लेकिन यह छूट भी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। ये भी विदित है कि यदि छूट प्राप्त लोगों ने सरकार के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया तो छूट वापस भी ली जा सकती है। फिलहाल देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। सरकारी दफ्तरों के साथ साथ कुछ उद्योगों को भी छूट दी गई, लेकिन दिग्गज सच यह भी है कि देश भर में इस लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री उद्योग समाप्ति की कगार पर पहुंच गया है। पोल्ट्री उद्योग के साथ साथ मछली पालन उद्योग भी डावाडोल होने लगा है। हरियाणा में भी मछली उद्योग को भले ही लॉकडाउन में ढील दी गई, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके बावजूद भी मत्स्य पालन उद्योग पूरी तरह से लड़खड़ाने लगा है। हरियाणा में कई लाख टन मछली का हर साल उत्पादन होता है। करीब 200 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार मछली पालक किसान करते हैं। सरकार भले ही मछली उद्योग को राहत देने की बात करती है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। आज हम आपकी मुलाकात देश के ऐसे होनहार मछली पालक किसान से करवाने जा रहे हैं जिसने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है। और खुशी की बात यह है कि यह किसान हमारे करनाल जिले के कस्बे बिलोखेड़ी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गुजाना का रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित होनार किसान सुल्तान। यह वही सुल्तान सिंह है जिन्होंने जब खेती की जमीन पर मछली पालने के लिए खेतों को तालाब में तब्दील किया, तब गाँव वालों ने भी इनका खूब मजाक उड़ाया। लेकिन होनार किसान सुल्तान सिंह कठिन परिश्रम और अथक प्रयासों के चलते आज वह मुकाम हासिल कर लिया जो हर किसी के बस की बात नहीं। सुल्तान सिंह ने अपने मन में ऐसा जज्बा कायम किया है कि इन्होंने विषम परिस्थितियों और विषम मौसम के बावजूद भी ऐसी मछलियों की प्रजातियों को विकसित किया कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगे। अमेरिका, कनाडा, अफगानिस्तान तथा इजराइल में स्वयं जाकर तकनीक हासिल करने वाले सुल्तान सिंह ने गांव गुटाना में झींगा मछली का उत्पादन कर सबको हैरत में डाल दिया। आज वही पद्मश्री से सम्मानित किसान सुल्तान सिंह मछली पालन को लेकर खुद खस्ता हालत में। यदि लॉकडाउन में मछली उद्योगों की हालत ऐसी ही रही तो कहना पड़ेगा कि हरियाणा में मछली पालन का धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। हमारे चीफ एडिटर हरीश चावला स्थिति का जायजा लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान स्वयं गांव गुटाना पहुंचे, जहां उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किसान सुल्तान सिंह से स्वयं उनकी दिक्कतों को लेकर बातचीत। आप भी सुनिए कि पद्मश्री से सम्मानित किसान सुल्तान सिंह ने इस दौरान क्या कहा। नमस्कार, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आप जानते हैं कि देश भर में कोविड-19 यानी कि कोरोना का प्रकोप है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की है और ऐसे में मछली पर इसका कितना असर पड़ने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोल्ट्री उद्योग इससे बड़ा प्रभावित रहा है। हालांकि हम पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े लोगों के पास भी इसकी समस्या लेकर पहुंचेंगे, लेकिन आज हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी के गांव बुटाना में पद्मश्री से सम्मानित मत्स्य किसान यानी मछली उत्पादक किसान सुल्तान सिंह के फार्म के पास। आज हम विशेष तौर पर इनकी समस्या पूछने के लिए आए हैं। हम ये जानने आए हैं कि अगर सरकार 20 अप्रैल को मछली का कारोबार खोल देती है तो क्या इन्हें मुनाफा होगा या ये घाटे की गर्त में जा रहे हैं। हालांकि अब भी इनकी मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सुल्तान सिंह हमारे देश के ऐसे इकलौते किसान हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी पिछले ही दिनों दिल्ली में पद्मश्री से सम्मानित कर चुके हैं। और इसके अलावा इनके बहुत अंतर्राष्ट्रीय इनको अवार्ड भी मिले हैं। हरियाणा सरकार भी इन्हें सम्मानित कर चुकी है और लगभग 100 से अधिक देशों के वैज्ञानिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनीतिक नुमाइंदे इनके फार्म का दौरा कर चुके हैं। और यही नहीं, कई देश भर की कई यूनिवर्सिटियों, खासतौर पर विदेश की यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी इस किसान के फार्म का दौरा कर चुके हैं। आज समाचार एक्सप्रेस इनके पास इनकी कुछ गतिविधियों को लेकर, इनकी समस्याओं को लेकर इनके पास पूछने आया है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित
सुल्तान जी, सबसे पहले समाचार एक्सप्रेस का आपका स्वागत है। इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन क्यों चल रहा है? कि आपका मछली का कारोबार बहुत बड़ा है, आपने कई ऐसी मछली भीड़ में ऐसी कई उदाहरण पेश किए जिससे देश भर के नहीं बल्कि विदेशों के वैज्ञानिक भी हैरान रहे हैं। अब मुझे बताइए कि आपके मछली उत्पादन में क्या स्थिति है आपके कारोबार का? तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि कोरोना वायरस से जितनी दिक्कत हमारी है उससे सारे पूरे वर्ल्ड के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे परिस्थितियों के अंदर जब ये लॉकडाउन होता है ना किसी भी तरह का, तो पब्लिक देखो ना तो बाहर आ जा सकती है कहीं भी और ना किसी को कोई सामान मिल सकता है, तो उनके जितने भी जिसके जो जैसे कारोबार है वो एक तरह से थम जाते हैं। तो यही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे को जैसे फरवरी से लेके अगस्त तक का हमारा सीजन होता है ब्रीडिंग का, तो हम इन फरवरी से लेके और अगस्त तक का अगर ये लॉकडाउन रहेगा तो हमारा तो ये पूरा का पूरा जो ब्रीडिंग का सिस्टम है सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे को जितने भी हार्मोन की जरूरत होती है इसमें इंजेक्शन लगाने के बाद हम ब्रीडिंग कराते हैं, जब वो हमारे को इंजेक्शन ट्रांसपोर्ट द्वारा नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? उधर से हमारी जो लेबर है वो लेबर भी पीछे रुकी हुई है, कुछ लेबर यहाँ पे है, तो इस तरीके से सारा फार्म बर्बाद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम भी देखो सरकार के साथ है, जैसे सरकार चाहेगी हम भी वैसे चलेंगे, पैसे का तो कुछ नहीं बनना, अगर कोई बीमार होता है तो उस बीमार होने के बाद उस पैसे का बनेगा क्या? तो सबसे बढ़िया बात तो ये है कि लॉकडाउन जो किया है ये सबसे बढ़िया बात हुई है, क्योंकि हमारे देश में ये ज़्यादा संक्रमण नहीं फैला, ये कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन 2 के अंदर जितना कंट्रोल हुआ है तो मैं ये समझता हूँ आने वाले 10-15 दिन में ये कंट्रोल हो जाएगा और इस बीमारी से निजात मिलेगी लोगों को। तो हम इसी चीज़ की इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये लॉकडाउन ये बीमारी के जो संक्रमण है ख़त्म होते हैं, वो ख़त्म होते ही कुछ ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए, कुछ कोरियर चलने चाहिए, कोरियर द्वारा भी कुछ सामान अगर हमारे तक पहुंच जाएगा तो हम अपना छोटा मोटा काम जो हमारे पास लेबर उसी से करके अपना काम चला सकते हैं। इसके साथ साथ मछली का तो कारोबार बंद हुआ ही है, क्योंकि जो लोग घरों में बैठे हैं वो बाहर मछली खाने के लिए आ नहीं रहे हैं, मछली हमारी तैयार पड़ी हुई थी वो मार्केट में बिक नहीं रही है, तो इस तरीके से हमारे को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसको भीड़ फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने तो पैसे भी नहीं रहेंगे, जब कुछ कहीं से आएगा ही नहीं और जेब से जाएगा तो वो बर्बादी की कगार पे तो पहुँचेगा काम। तो हमारा कहने का मतलब सरकार से यही है, कुछ हमारे लिए ट्रांसपोर्ट जैसे फीड के हैं, जैसे इसकी थोड़ी मोटी मछली बेचने का है, अब लोग फ़ोन करते हैं मुझे को मछली पहुँचा दे घर पे कैसे पहुँचाए, हम फार्म पे काम करें होम डिलीवरी दें तो हम तो ये काम कर ही सकते होम डिलीवरी वाला। तो मेरा कहने का मतलब है जो कस्टमर आते हैं उनको देखो छोटे मोटा डर रहता है, चाहे पुलिस बेशक पब्लिक का साथ दे रही हो, साथ देने की वजह से भी मैं ये कहता हूँ पब्लिक के मन में डर है कि अगर हम बाहर लॉकडाउन के अंदर निकलेंगे तो हमारे को पुलिस पीटेगी, तो इसी वजह से वो अपना आधा सामान लेने के लिए भी नहीं आते। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है वो थोड़ा सा टीवी के ऊपर आए और ये थोड़ी बातें समझाए पब्लिक को, भाई अगर किसी को मछली वगैरह या ऐसी चीज़ें चाहिए तो एक दो आदमी कहीं जाएगा, पब्लिक प्लेस तो है ही नहीं है, जैसे हमारे लाइव सिस्टम है हम लाइव पकड़ के दे देंगे पब्लिक को। तो हमारा ये प्रशासन का अनुरोध है कि वो थोड़ा सा पब्लिक की भी मदद करे। अच्छा सुल्तान जी एक बात बताइए, जैसे सरकार ने घोषणा की कि पोल्ट्री सेक्टर जैसे आपका मुर्गा है या मछली है या अंडा है या मटन है, इसकी स्टॉक इसका कारोबार बहुत छूट हुई है, सुबह 9 से 5 दुकानें खुली रहती हैं, मैं एक छोटे से कस्बे त्रावड़ी में रहता हूँ, वहाँ भी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली होती हैं, ऐसे में फिर आपको आपके कारोबार में क्या दिक्कत आती है? सर हमारा ऐसा है, हमारा जो कारोबार है एक तालाब के ऊपर बैठ के प्लांट का कारोबार है हमारा, खोखे टाइप का काम नहीं है, भाई 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमने खोखा खोला उसका जितना बिका हमारा तो लाइव स्टॉक का काम है, हमारा तो 1 किलो 2 किलो बेचने वाला काम नहीं, हमारा 100 किलो 200 किलो बेचने वाला काम है, तो 100-200 किलो के बार बार कहाँ से लेके आए किसान कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे, आप है ही नहीं, वो 1-2 किलो पगार वाले जो लोग हैं वो तो खोखे से ले लेंगे, लेकिन जो हमारा असली माल तो हमारा उनके पास जाना है तो वो भी नहीं ले पाएंगे, वो भी छोटी मोटी अपनी खुद की जो मुर्गा है मछली तो किसी पर मेरे कारण मिल ही नहीं रही है, अब मछली पकड़ने के लिए कम से कम 20 लोग चाहिए, लेबर चाहिए, जाल चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मछली कहाँ से पकड़ेगी हम? दिल्ली की गाजीपुर मंडी बताई जा रही है बहुत बड़ी है, आपका सामान जा रहा है क्या मछली? कहाँ जा रहा है दिल्ली, हमने जा देखे 2 महीने हो गए दिल्ली गए, 2 महीने हो गए क्योंकि सारा का सारा जाम बंद है, लॉकडाउन है, गाड़ियाँ कोई चलती नहीं है, कोई जाने नहीं देता, गाड़ी जब जाएगी तभी भी ना माल, तो गाड़ियाँ तो चलती नहीं है, लेबर आ नहीं जा नहीं सकती, पकड़ने वाले लोग कोई और होते हैं, गाड़ी ले जाने वाले कोई और होते हैं,
तो ये चेन बनी हुई है वो सारी चेन खत्म हो गया। अब सीड का जो हमारा काम था, जो हम सीड पैक करते थे, वो हमारा एक पॉलिथिन बैग में सीड पैक होता है, तो उस वो सीड नहीं, वो पैकिंग का सामान नहीं मिल रहा है। उधर जब हम तो हमारे पास किसान का फोन आता है, वो किसान कहता भाई मैं तो सड़क पे आऊँगा नहीं, हमारे गाड़ी करने जाते हैं, कहते हमारा 11,000 का चलान हो जाएगा, आप तो गाड़ी लेके जाएंगे। कोई गाड़ी आ ही नहीं रही, कोई जा ही नहीं रही, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जितना ये व्यवसाय था फेल होता जाने लगा। सुल्तान जी, एक सवाल ये है कि राष्ट्रपति जी ने आपको पद्म चिन्ह से सम्मानित किया है, हरियाणा सरकार आपकी बात पर तवज्जो देती है, केंद्र के सारे जितने मत्स्य वैज्ञानिक हैं वो सारे आपके टच में हैं, और कई देशों के राजनीतिक प्रतिनिधि और वैज्ञानिक तक आपके इस केंद्र में गांव छोटे से गांव उठाना में आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि आपके मत्स्य उद्योग कैसे बच सकता है और आपकी केंद्र या प्रदेश सरकार से मांग क्या है? सर, अब हमारे पास हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, डायरेक्टर ने मेरे पास लेटर भेजा, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है इसके फिशरीज के, उन्होंने लेटर जारी किया है, अभी आपका सारा सामान खुला हुआ है। लेकिन खुला तो है, खाली लेटर से थोड़ी बात बनेगी। अब लोगों के मन में जो डर बैठ गया, कम से कम दो महीने उनके मन में से डर ही नहीं निकलेगा। अब हमारे का पास 10-20 लोगों के पास अगर ये लेटर आ भी गए हैं तो हमें पता, सिर्फ जो इसमें 20-25 लोग जुड़े हैं उन सबको थोड़ी पता इस चीज़ का। 15 लोग थोड़ी इस बिजनेस को चला सकेंगे, जब हमारे को 10-20 लोग नहीं मिलेंगे तभी ये बिजनेस चलेगा। अब मांग क्या है सरकार से, क्या मांग है? मांग तो हमारी यही है सरकार से, जो हमारे कृषि मंत्री है वो, और जो हमारी सरकार है, कृषि मंत्री थोड़ा सा इसके ऊपर एक मीटिंग करके और एक अपना बयान दे कि हमने फिशरीज को इस तरीके से छूट दी हुई है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो उस तरीके से जब लोग इस चीज़ को सुनेंगे और समझेंगे तभी वो रोड पे आ पाएंगे, तभी अपना काम चला पाएंगे। ये मेरी सरकार से अनुरोध है, ये मेरी CM साहब से अनुरोध है, या CM साहब इसका एक संबोधन करें इस चीज़ का, तो लोगों के जब दिमाग में आएगी तभी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सुल्तान जी, मेरे को एक बात बताइए, आपने जो मछली उत्पादन का कार्य कौन से सन में स्टार्ट किया था, उस समय आपने सबसे पहले साल कितना मछली का उत्पादन किया, और आज की स्थिति लॉकडाउन से पहले की क्या स्थिति थी कि आपके फार्म से कितना मछली का उत्पादन हो गया? पहले तो सर हमारा ऐसा था जो बिल्कुल ही बहुत ही कम मात्रा में मछली बिकती थी, पहले इतनी हमने टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, खुद हमने अपने घाटे खा के ये चीज़ें सीखी है। तो पहले जो मछली निकलती थी 300-400 kg ट्रैक्टर से निकलती थी, आज एक अगर बात करूं तो 700 क्विंटल 800 क्विंटल मछली की हम बात करते हैं, ऐसे करके बात नहीं करते एक साल में। तो हमने इस कारोबार को कई लाख गुना आगे लेके गए हैं, और इसी को चलते हुए जितने भी हमारे फार्मर थे और जो कितने नए किसान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले तालाब बढ़ाए, जब वो कामयाब नहीं उन्होंने बंद किए। अब दोबारा से इतने दोबारा फिशरीज का सेक्टर आगे बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में जितनी ज़मीनें हैं सब पे मछली पैदा होगी। इसकी ट्रेनिंग आपने कहीं देश के किसी इंस्टीट्यूट में ली कि बाहर विदेशों में भी गए हैं? हाँ, मैंने इसकी कई इंस्टीट्यूटों में ली है, अपने इंडिया में भी, और उसके बाद बाहर से भी ट्रेनिंग ली हुई है। कौन से कंट्री में गए? मैं चाइना 3 महीने ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, उधर USA से लेकर आया हूँ, 3-4 कंट्री में जाकर इसकी ट्रेनिंग की है, और ट्रेनिंग लेने के बाद अब मैं अपने फार्म पर खुद ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने पीछे अभी 4 महीने आया, हमारे गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रोग्राम चला हुआ था, तो 4 महीने हमने गवर्नमेंट के उसके सिस्टम पे हमने उनको लोगों को 800 लोगों को हर जिले के 40-50 लोगों को ट्रेनिंग दी है। अच्छा, इस बात का भी आपको संज्ञान होगा, शायद जानते होंगे कि आप मछली उत्पादन से जुड़े हुए हैं, कि कितने देश के कितने ऐसे किसान हो गए, हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा का कोई आंकड़ा आपके पास कि कितने जो किसान हैं इस धंधे से जुड़े हुए हैं? इस धंधे से अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। अब इसमें मछली पालक भी है, मछली सीड बनाने वाले भी हैं, उसके बाद मछली पकड़ने वाले हैं, उसके बाद मछली पकड़ के आगे मार्केट करने वाले हैं, तो 20-25 हज़ार लोग तो हमारे कम से कम हरियाणा के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है, और जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको अवेलेबल नहीं होती, डाक व्यवस्था नहीं आती, जैसे आपने अभी बताया कि बम्बे से एक इंजेक्शन आता है कंपनी अगर वो नहीं देती है, तो इसका हरियाणा भर में कितना असर पड़ेगा, कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है? तो इसमें तो देखो, अभी जितने भी हरियाणा के 18 फार्म ब्रीडिंग फार्म है और 10-12 फार्म गवर्नमेंट के भी है, अगर इन पे कोई सामान ही नहीं आएगा, अगर कोई बीज ही नहीं पैदा होगा, आगे क्रॉप भी तैयार नहीं होगी, क्रॉप ही नहीं डाल सकेंगे, जब सीड तो पैदा होगा तभी वो डालेंगे, और आगे एक साल लेती है मछली पैदा होने में, तो एक साल तो उनकी जो फसलें थी वो बर्बाद हो जाएंगी।
तो नुकसान कितना का हो जाएगा? मैं हरियाणा में हरियाणा का कहता हूँ, कम से कम 100-200 करोड़ रुपए का नुकसान तो हरियाणा का रहेगा बिजली के किसान लोगों। अच्छा सुल्तान जी, मेरे को एक बात बताइए, आपने जो मछली उत्पादन का कार्य कौन से सन में स्टार्ट किया था, उस समय आपने सबसे पहले साल कितना मछली का उत्पादन किया, और आज की स्थिति लॉकडाउन से पहले की क्या स्थिति थी कि आपके फार्म से कितना मछली का उत्पादन हो रहा था? पहले तो सर हमारा ऐसा था जो बिल्कुल ही बहुत ही कम मात्रा में मछली बिकती थी। पहले इतनी हमने टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, खुद हमने अपने घाटे खा के ये चीज़ें सीखी है। तो पहले जो मछली निकलती थी 300-400 kg एक हेक्टर से निकलती थी, आज एक हेक्टर की अगर बात करूँ तो 700 क्विंटल 800 क्विंटल मछली की हम बात करते हैं, इससे कम की बात नहीं करेंगे एक साल में। तो हमने इस कारोबार को कई लाख गुना आगे लेके गए हैं, और इसी को चलते हुए जितने भी हमारे फार्मर थे और जो कितने नए किसान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले तालाब बनाए, जब वो कामयाब नहीं उन्होंने बंद किए, अब दोबारा से इतने दोबारा फिशरीज का सेक्टर आगे बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में जितनी ज़मीन है सब पे मछली पैदा होगी। इसकी ट्रेनिंग आपने कहीं देश के किसी इंस्टीट्यूट में ली कि बाहर विदेशों में भी गए हैं? हाँ, मैंने इसकी कई इंस्टीट्यूटों में ली है, अपने इंडिया में भी, उसके बाद बाहर से भी ट्रेनिंग ली हुई है। कौन से कंट्री में गए? मैं चाइना 3 महीने ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, उधर USA से लेकर आया हूँ, 3-4 कंट्री में जाकर इसकी ट्रेनिंग की है, और ट्रेनिंग लेने के बाद अब मैं अपने फार्म पर खुद ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने पीछे अभी 4 महीने आया, हमारे गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रोग्राम चला हुआ था, तो 4 महीने हमने गवर्नमेंट के उसके सिस्टम पे हमने उनको लोगों को 800 लोगों को हर जिले के 40-50 लोगों को ट्रेनिंग दी। अच्छा, इस बात का भी आपको संज्ञान होगा, शायद जानते होंगे कि आप मछली उत्पादन से जुड़े हुए हैं, कि कितने देश के कितने ऐसे किसान हो गए, हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा का कोई आंकड़ा आपके पास कि कितने जो किसान हैं इस धंधे से जुड़े हुए? इस धंधे से अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 हज़ार लोग जुड़े हुए। अब इसमें मछली पालक भी है, मछली सीड बनाने वाले भी हैं, उसके बाद मछली पकड़ने वाले हैं, उसके बाद मछली पकड़ के आगे मार्केट करने वाले हैं, तो 20-25 हज़ार लोग तो हमारे कम से कम हरियाणा के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है, और जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आपको अवेलेबल नहीं होती, डाक व्यवस्था नहीं आती, जैसे आपने अभी बताया कि बम्बे से एक इंजेक्शन आता है कंपनी अगर वो नहीं देती है, तो इसका हरियाणा भर में कितना असर पड़ेगा, कितने करोड़ का नुकसान हो सकता है? तो इसमें तो देखो, अभी जितने भी हरियाणा के 18 फार्म ब्रीडिंग फार्म है और 10-12 फार्म गवर्नमेंट के भी हैं, अगर इन पर कोई सामान ही नहीं आया, अगर कोई बीज ही नहीं पैदा होगा, आगे क्रॉप भी तैयार नहीं होगी, क्रॉप ही नहीं डाल सकेंगे, तो जो सीड तो पैदा होगा तभी वो डालेंगे, और आगे 1 साल लेती है मछली पैदा होने में, तो 1 साल तो उनकी जो फसलें थी वो बर्बाद हो जाएगी। तो नुकसान कितना का हो जाएगा? मैं हरियाणा में हरियाणा का कहता हूँ, कम से कम 100-200 करोड़ रुपये का नुकसान तो हरियाणा का मछली उद्योग से किसानों का। जैसा कि सुल्तान जी ने बताया कि ब्रीडिंग का एक सिस्टम और एक समय होता है, इन्होंने फरवरी से अगस्त की बात बताई है, और इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी आधा अप्रैल गुजर चुका है। अब सवाल इनसे हम ये भी करेंगे कि आखिर ये ब्रीडिंग किस तरह से करते हैं, और आप तो जानते हैं कि सुल्तान जी जो है विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न मौसम यानी कि मौसम के प्रतिकूल भी इन्होंने मछलियों के ब्रीडिंग में एक महारत हासिल की हुई है। सुल्तान जी, जब आपने मेरे को ये बताया कि आप फरवरी से अगस्त के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं, तो ये ब्रीडिंग का सिस्टम कैसे होता है, और ये क्या कोई इंजेक्शन होता है, या किस तरह से ब्रीडिंग करते हैं आप? मछली जो हमारी 6 प्रकार की होती है, 3 मछली हमारी फरवरी से लेकर अप्रैल तक देती है, जो 3 मछली का सीजन था वो हमारा बर्बाद हो चुका है, उसमें हमारा किसी भी तरह का एक पैसे भी नहीं है। वो मछली उसमें 3 तरह की मछली होती है, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और बिगेट जी। ये तीनों मछली की ब्रीडिंग क्योंकि अप्रैल तक चलती है, उसके बाद ऑब्जर्व स्टेज आ जाती है, मछली अपना अंडा अपने शरीर में सुखा लेती है, दोबारा वो अंडा नहीं देती जी। उसके बाद 3 मछली फिर और चलती है हमारी, कतला, रोह, मृगल। तो ये सारा का सारा हमारा अगस्त तक चलेगा, 20 अगस्त तक लास्ट डेट होती है इसकी। अगर 20 अगस्त तक हम ब्रीडिंग करा पाएंगे तो ठीक है, उसके बाद अगर ब्रीडिंग नहीं करा पाएंगे तो अंडा हमारे को मिलेगा ही जी। तो इस तरीके की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इसका सीजन होता है, अगर वो सीजन इस तरीके से निकल जाएगा तो हम इस साल किसी अब इसके साथ इस उद्योग के साथ कम से कम हरियाणा से 10-15 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने सब नए सीड चाहिए, सब इसी इंतजार में है, अभी सीड पैदा हो हम अपना नया सीड डालें और अपनी क्रॉप तैयार करें। अगर वो 15-20 हज़ार जो फार्मर किसान हैं, अगर उनको सीड टाइम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो गर्मियों में यहाँ सिस्टम है मछली बढ़ने का, जो सिस्टम है वो सिर्फ गर्मियों के टाइम में बढ़ता है, सर्दियों में मछली बढ़ती नहीं है। अगर अगस्त के बाद अगर हम सीड डालते हैं तो ऊपर से सर्दी का सीजन आ जाता है,
जिस साइज का सीड हम डालते हैं उसी साइज का हमारा ग्रोथ नहीं ले पाएगा और वो फार्मर को नुकसान होता है। सर्दियों में बच्चा छोटा होता है, ठंड की वजह से वो सारा का सारा ठंड में बैठ जाता है। तो ये जो जून जुलाई का महीना होता है, मई जून जुलाई का, इसमें मछली का बीज स्टॉक करते हैं ताकि हमारा सर्दी से बाहर आ जाए और हम टाइम पे इसकी मछली पैदा कर सकें। तो इस सर मेरा सवाल ये भी था, जैसे आप ब्रीडिंग की बात कर रहे थे, तो ब्रीडिंग को इंजेक्शन भी लगता है, अगर वो लगता है तो वो कहाँ से आता है, अगर वो बाहर से आता है तो वो आएगा कैसे? अब यही इंजेक्शन की बात करते हैं, जो अगर हमारी ब्रीडिंग जो बंद हो रही है उसी इंजेक्शन की वजह से होती है। वो हार्मोन होता है जो ओवर टाइट होता है और वो एक बॉम्बे की कंपनी बनाती है। अब बॉम्बे में कोरोना वायरस की वजह से उसमें सब चीज़ लॉकडाउन में सब कुछ फंसा हुआ है। कंपनी वाले के पास दवाई डंप हो चुकी है, हमारे पास मछलियाँ डंप हो चुकी है, क्योंकि जब तक हमारे पास उसके इंजेक्शन नहीं पहुँचेंगे हम उसकी ब्रीडिंग नहीं करा पाएंगे। उनकी दवाई वहाँ से निकलेगी नहीं, तो वो कोरियर के द्वारा आती थी, कोरियर बंद हो गया है। कोरियर भी खुल जाए ना तो कोरियर से भी लोगों का बहुत सा बेनिफिट हो जाएगा। पोस्टल डाक सेवा तो चली हुई है? नहीं, किसी भी तरह का कोई पोस्टल डाक नहीं चली, हर तरीके से बंद है। हमने कंपनी में बात किया था, कहते हैं बॉम्बे से हम किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं भेज सकते, कोई भी चीज़ यहाँ से चली हुई नहीं। सुल्तान जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कोरोना से लोग डरे हुए हैं, लोग ये कह रहे कि अंडा मत खाओ, हालांकि सरकार कई लोग तो ये कहते मुर्गे नहीं खाने, शायद उसकी वजह से शायद लगता है कि पोल्ट्री ढोकी मेरे हिसाब से बर्बाद होने की कगार पे है। कई लोगों ने जो मांस खाते थे वो खाना छोड़ दिया, जो मुर्गा खाते थे वो भी छोड़ दिया। ऐसे में सवाल ये आता है कि मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये हार्ट के लिए, शरीर के काफ़ी अंगों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई किस्में हैं मछली की, कई प्रजातियाँ हैं, वो आपको पता ही, यहाँ बता देना हमारे दर्शकों को। लेकिन क्या कोरोना के चलते शरीर में कोई मछली खाने से भी नुकसान है, इसका फ़ायदा भी होता है? मछली एक मेडिसिन डाइट है आदमी की। जी, मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आदमी को एकदम तंदुरुस्त रखता है। जितनी भी हमारे जो बीमार लोग होते हैं वो कैप्सूल खाते हैं ना गोलियों में, उनमें दवाइयों में, उनमें फिश ऑयल होता है, किसी में कुछ होता है, तो इसीलिए दिया जाता है बीमार आदमी को, ताकि उसको तंदुरुस्ती या उसको इम्यूनिटी जो उसकी है बढ़ जाए और वो तंदुरुस्त रहे। तो मछली खाने से हमेशा बीमारी जो है वो खत्म होती है, बीमारी बढ़ती नहीं है। यानी कि कहने का मतलब इससे मछली खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है? हाँ जी, क्योंकि मछली जो खाते हैं वो बहुत ही कम बीमार होते हैं, जो मछली नहीं खाते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। अब जो लोग मछली हफ्ते में डेली 5 दिन या 6 दिन मछली खाते हैं ना, वो लोग बहुत ही कम बीमार होते हैं। ये बात तो हमारे डॉक्टर भी सिद्ध कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर भी हम ये कहते हैं अभी मछली खाओ। सबसे पहले डायबिटीज में क्या होता है, वो कहते हैं इसकी मछली खाओगे तो तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है मछली खाने से बहुत फास्ट हो जाता है। आधी बीमारी तो इसकी मछली खाने से ना सर्कुलेशन की जो फास्ट सिस्टम है ब्लड का उसी से ख़त्म हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मछली से कभी भी कोई बीमारी नहीं आती, पानी में रहती है, पानी में कभी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। तो इससे शुद्ध मीट किसी चीज़ का नहीं है, इससे शुद्ध भोजन कोई नहीं है। आने वाले टाइम में 100% अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो मछली रहेगी और कोई कुछ नहीं बचेगा, सारा का सारा हमारा पेस्टिसाइड से खराब हो चुका है सिस्टम। तो आज के टाइम में, आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक ही रहेगी मछली खाने की, ये ऑर्गेनिक। आपने सुना कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मत्स्य किसान, मछली उत्पादक किसान सुल्तान जी ने क्या कहा। सुल्तान जी ने केंद्र की मोदी सरकार से भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्लियर कर दूं, आपके मैं खड़ा हूँ, ये सुल्तान जी का फार्म है और ये जो किसी की बिल्डिंग बनी हुई है आप देख रहे हैं, आप कैमरे में आपको नज़र आती है, ये एक ऐसा सिस्टम, आधुनिक तकनीक इन्होंने तैयार किया जिससे जो मछली जो है पानी में रहती है, मछली को ऐसे लगता है कि वो नदी में चल रही है, यानी कि बहता हुआ रिसाइकलिंग कर होता है पानी से, और चलते पानी में मछली को ऐसा आभास होता है कि वो नदी में तैर रही है और उसको तैरते तैरते फीड दे, जिससे मछली का उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है। यानी कि आप देखिए कि कितनी आधुनिक तकनीक से मछली का उत्पादन होता है। और मछली उन्होंने बताया कि ओमेगा 3 होता है जो हार्ट के लिए और फेफड़ों के लिए खास तौर पर एक इम्यूनिटी बनाने का काम करती है। मछलियाँ जो हैं पानी में रहती हैं, और सुल्तान जी ये भी बता चुके हैं कि पेस्टिसाइड का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है, चाहे वह मुर्गी पालन की बात हो या फसल खेती की बात कर लें, फसलों में देख लें किस तरह सब्जियों में दवाई का छिड़काव था। लेकिन एक मछली एक खाने का उत्पादन ऐसा है
जो पानी में रहता है, यानी कि जो चीज पानी चलते पानी में रहेगी वो आप कितनी स्वच्छ और स्वास्थ्य होगी आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए। मैं साहिल जुनेजा के साथ हरीश चावला, समाचार एक्सप्रेस, बुटाना, करना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।